दी, आपको उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा था राधिका ने आपसे? मैं कृष्ण के साथ कुछ इस तरह खड़े थे। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच बताया। दी, पीटी एक औरत नहीं बल्कि एक डायन है। मैं डायन हूं। समझ में नहीं आ रहा प्रीति भाभी एक डायन कैसे हो सकती है। हाँ, यही असलियत है प्रीति की। अब तो आपको मेरी असलियत भी पता चल गई। ऐसे भी आप मेरे पति हैं। छुपाती मैं आपसे? आपके घर पर एक डायन की नजर पड़ गई है। और जिस घर पर डायन की नजर पड़ जाए मुझे कोई नहीं बचा सकता। डायन की शक्तियों का कोई तोड़ नहीं होता। क्या क्रिश? अब क्रिश क्या करेगा भैया? अगर आम इंसान होती ना तो भैया पक्का पक्का मैं आपकी जान बचाता। लेकिन भैया वो डायन है। डायन? अब इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि आपकी जान बचाते बचाते मैं अपनी जान दे बैठूं। भैया इतना नाटक क्यों? अब एक काम करिए, चुपचाप मर जाइए। हाँ चीयर्स। तो नहीं पता कि प्रीति का उस घर में आने का क्या मकसद है, लेकिन डायन बिना किसी फायदे के कोई चाल नहीं चलती। वो क्या?
उस डायन की वजह से कृष ऐसा बिहेव कर रहे हैं? जिसे आपने प्रीति के साथ उस कमरे में देखा, जिसे कृष जीजू समझकर आप छोड़कर आ गए, वो असल में कृष जीजू है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे शादी करके इस घर में क्यों आई, और आपके परिवार के साथ ही क्यों रह रही हूं। ये दिल भी ना मौत सर पे खड़ी है, लेकिन सवाल करना बंद नहीं करता। और एक संस्कारी पत्नी होने के नाते तो मुझे आपके हर सवाल के जवाब देने चाहिए ना। क्या कर, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं और मैं अपनी चाल के हाथों। और एक डायन कभी भी अपनी चाल बताकर नहीं चलती, इसलिए मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप तो लाचार हैं, किसी भी सवाल के जवाब ढूंढने की भी कोशिश मत करना। मेरे और कृष के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले आपकी बहन को मारूंगी, फिर आपकी माँ। और रही बात ये सिंदूर की, तो ये सौभाग्य नहीं है, ये सिर्फ एक लाल रंग है मेरे लिए। रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है ना पति जी, इसलिए चाहिए। और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आपकी दवाई का वक्त हो गया, दवाई खा के सो जाइए। जाइए, कोशिश करिए। तुम्हें क्या लगता है
कि तुम मेरे सामने झूठी कहानी बनाओगे और मैं यकीन कर लूंगी। क्यों बचाना चाहती हो तुम क्रिश को? क्यों मुझे यकीन दिलाना चाहती हो कि जिससे मैंने खुद से ज्यादा प्यार किया, जिसे अपनी जिंदगी माना, वो क्रिश नहीं कोई और है? और आज जिसने मेरे शादी जैसे पवित्र बंधन को ठुकराया वो कोई और इंसान है। क्योंकि यही सच है दी, वो क्रिश जीजू नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। हाँ, ये सब तुम्हारा खेल। तुम नागवंशी तो हमेशा से मेरे और क्रिश की कहानी के खिलाफ थी ना? मिल गई तुम्हें खुशी? पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी हमारी कहानी अधूरी रह गई। नहीं दी, मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। मेरे बात का यकीन कीजिए, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था और नागिन की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। कैसे करूँ मैं तुम्हारी बात पर यकीन? पहले तो तुमने कहा कि प्रीति भाभी एक टायन है और अब कह रही हो कि क्रिश क्रिश है ही नहीं। देखो देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारी ये कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुको जी, बधाई हो। फाइनली फाइनली हमने उस राधिका को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह उठाकर यहां से बाहर फेंक दिया। उस बेचारी को तो यह लग रहा होगा कि उसके कृष्ण ने, उसके प्यारे कृष्ण ने उसको कितना बड़ा धोखा दिया। खुश नहीं हो क्या? अपनी मंजिल को धुंधला होते हुए देखकर किसे खुशी हो सकती है क्रिश? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत अनगिनत चालें चली। इस परिवार तक पहुँचना मेरे लिए उतना ही जरूरी था जितना कि मरते हुए इंसान के लिए उसकी सांसें। इस पूरन मासी की रात तक हमें बहुत सावधान रहना होगा क्रिश। और भाभी देवर के इस नाटक को कुछ दिन और चलाना होगा। अगर दुनिया के सामने मेरी सच्चाई आ गई तो पूरे किए कराए पे पानी भर जाएगा क्रिश। क्रिश क्रिश क्रिश, हर बैरूपीय का एक असली नाम होता है प्रीति। तुम मुझे मेरे असली नाम से क्यों नहीं पुकारती? एक तो लेंसेज ने मुझे परेशान किया हुआ है, ये क्या कर रहे हो? रिश, पहनो इसे वापस प्लीज। ये क्रिश का रोल प्ले करते करते परेशान हो चुका हूं। कोई भी इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा देवर, और तो और अच्छा पति भी।
और मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं हूं। क्रिश ये बकवास बंद करो और जब तक मैं ना कहूं अपनी असलियत किसी से मत कहना प्लीज। अगली पूर्णमासी की रात तक तुम क्रिश हो और क्रिश ही रहोगे बस। लेकिन तुम्हें पूर्णमासी की रात का ही क्यों इंतजार है? ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा जो अभी नहीं हो सकता? क्योंकि सही समय पर ही इंसान को सही चीज मिलती। पूरन मासी की रात को मुझे सब मिल जाएगा, मेरी सारी शक्तियां। उसके बाद मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगी। फिर तुम्हें समझा पाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान नहीं। डायन हो क्या हुआ? मेरी मिट्टी के शेर को तो पसीना आ गया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इंसान क्यों नहीं सुनाई बात पे यकीन करे या ना करे, आंखों देखी पर तो करता ही है। क्या अभी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आपको मेरी बात पे यकीन हो गया ना? वो आदमी क्रेज जीजू नहीं है। हाँ, एक मिनट। उस रात क्रेज को जिस इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा, क्या ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? ताकि क्रेज घर से बाहर निकल जाए और वो बहरूपिया घर के अंदर आ जाए। तो प्रीति सच में एक डायन है तो उसका इस घर में आने का असली मकसद क्या है? और पूर्णमासी को ऐसा क्या होने वाला है? वो आदमी कृष्ण का हमशक्ल है और प्रीति एक डायन, इसके बारे में शायद घर में कोई नहीं जानता। मेरा इस घर में आने का असली मकसद किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक आम इंसान नहीं, एक डायन हूं। अगर एक डायन इतनी खूबसूरत होती है तो आम औरत के पीछे कौन भागे? मुझे तुमसे बे इंतहा मोहब्बत हो चुकी है। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। वैसे उस असली क्रिश का करना क्या है? एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, पूर्णमासी के दिन जो मुझे चाहिए वो सब मिल जाए, उसके बाद उसे मार कर यहां से चले जाएंगे हमेशा के लिए। जी, आपके दिन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब उस घर में छुपा है। अपने सवालों के जवाब के लिए आपको उस घर में जाना होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।
नहीं तुलसी, अगर हम जबरदस्ती उस घर में घुसे तो शायद कृष की जान पर खतरा आ सकता है। तो फिर उन दोनों का सच सबको बता देते और आप प्रीति की चिंता मत कीजिए, उसके लिए तो मेरी सत्या काफी है। नहीं तुलसी, मेरी दादी कहाँ करती थी कि हमें जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। हम इस वक्त प्रीति के खिलाफ तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इस समय प्रीति की असलियत किसी को बता सकते हैं। जब तक हमें कृष्ण ना मिल जाए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम क्या करेंगे थे? तलाश, असली कृष्ण की तलाश। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि उन्होंने कृष्ण को कहाँ छुपाया है और फिर हमें जानना होगा कि उस डायन का इस घर में आने का मकसद क्या है।